नमस्कार, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है और मैं उड़ान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं आज आपके सामने जो गद्य विद्या की एक पत्ति लेकर आया हूँ वो है निबंध। तो आज हम करेंगे निबंध। निबंध का स्वरूप एवं तत्व। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? निबंध। निबंध क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निबंध को कौन सी कोटि में रखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि साहित्य। साहित्य की दो विधाएं होती हैं। साहित्य की दो विधाएं होती हैं कौन कौन सी? एक होती है गद्य और एक होती है पद्य। अब गद्य और पद्य इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो गद्य है इसमें कहानी है, नाटक है, नाटक एकांकी है, जीवनी है, आत्मकथा है, ठीक है, और उपन्यास है, रिपोर्टाज है, ये सभी चीजें आ जाती हैं। किसमें? गद्य में। और एक निबंध भी, निबंध जो हमारा ये आज का जो टॉपिक है ये निबंध भी किसमें आता है? गद्य में आता है। आगे आ जाए पद्य। पद्य में क्या आता है? कविता, गीत, छंद और अलंकार। तो साहित्य की दो विधाएं हैं गद्य और पद्य। गद्य में नाटक, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, एकांगी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और पद्य में कविता, गीत, छंद और अलंकार आ जाते हैं। ठीक है जी। तो बात करते हैं कि निबंध की जो शुरुआत है ना, कहाँ से हुई, कब हुई? तो निबंध सबसे पहले कौन सी शैली में आता है? ये आता है गद्य शैली में। ठीक है। तो गद्य की शुरुआत कब हुई ये भी हम जानेंगे, और सबसे पहले पद्य की शुरुआत कब हुई ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है जी। हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें सबसे पहले काल आता है आदिकाल। ठीक है। उसके बाद आता है भक्ति काल, उसके बाद आता है रीति काल। जब ये हिंदी साहित्य के ये तीन काल हुए हैं, इन तीनों कालों में ही जितना भी साहित्य लिखा गया वो साहित्य कौन सा था? वो पद्य साहित्य था। इन तीनों कालों में जितना भी कोई भी किसी भी विद्वान ने कोई रचना लिखी है ना, आदिकाल में पृथ्वीरासो है, चंद्रवरदाई है, भक्ति काल में जितनी भी रचना है सूरदास है, जैसी है, और रीति काल के जिद्ध, रीति, रीति, जितने भी तीन कवि रीति सिद्ध, रीति बद्ध, रीति मुक्त, जितने भी तीनों कालों के विद्वान हुए हैं उन्होंने पद्य शैली में ही लिखा है, छंद और अलंकारों का ही प्रयोग किया है, कविता को ही लिखा है, गीत शैली ही अपनाई है, श्रृंगार वर्णन ही किया है। ठीक है। तो कहने का हमारा जो तात्पर्य ये है कि इन तीनों कालों में पद्य ही लिखा गया। ठीक है। पद्य जो साहित्य की विद्या थी वो पद्य शैली ही लिखी गई। अब बात करते हैं कि गद्य का विकास कब हुआ। तो गद्य का विकास होता है आधुनिक काल से। गद्य का विकास आधुनिक काल से होता है। जब कौन सा युग आता है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आता है 1857 ईस्वी। ठीक है। तो गद्य की शुरुआत होती है।
पहले मैंने बताया था कि जो हिंदी साहित्य के तीन काल हुए हैं उनमें जितना भी था पद्य साहित्य रचा गया और गद्य का उन्होंने किसी भी विद्वान ने किसी भी लेखक ने जो उसकी शुरुआत नहीं की। तो बात करते हैं कि भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं नाटक की शुरुआत की, निबंध लिखे, कहानी लिखी, बहुत सी जो गद्य की शैलियां उन्होंने अपने काव्य में अपनाई। ठीक है जी, तो समय आपको पता लग गया, समय 1857 ईस्वी और युग है भारतेंदु आधुनिक काल का, जो पहला युग है, पहला काल है भारतेंदु युग। और जितना भी साहित्य लिखा गया, ठीक है, तीनों कालों की, अगर पहले वाले तीन काल थे आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, तीनों की भाषा ब्रज थी। ठीक है जी, तीनों की भाषा ब्रज थी, लेकिन बात करते हैं कि भारतेंदु युग में उन्होंने इस युग में थोड़ी थोड़ी जो खड़ी बोली है उसको भी लोग हैं जो विद्वान हैं वो भी जो साहित्य था खड़ी बोली में भी लिखने लग गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। और ब्रज इस भारतेंदु युग की भाषा भी हम कह सकते हैं क्या रही, ब्रज ही रही। जितना भी साहित्य लिखा इन्होंने भाषा क्या थी, ब्रज। तो बात करते हैं कि खड़ी बोली, खड़ी बोली द्विवेदी युग, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी पत्रिका सरस्वती जिन्होंने ये चलाई महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, इस युग में टोटल ही, इस युग में पूरी संपूर्ण ही जो भाषा थी वो कौन सी थी, खड़ी बोली थी। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि जो साहित्य की कौन सी विद्या थी, जो गद्य विद्या थी, इसका शुरुआत आधुनिक काल में हुई, आधुनिक काल में और भारतेंदु युग में, समय पता लग गया और भाषा पता लग गया। ठीक है, पद्य का विकास, पद्य की शुरुआत तीनों कालों में, गद्य की विकास जो शुरुआत थी वो भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग खुद जो इन्होंने खुद अपने नाटक भी किए हैं, नाटकों का तत्वों का वर्गीकरण भी किया है। ठीक है, बहुत से नाटक इन्होंने लिखे हैं, अंधेर नगरी है, नील देवी है, परासन भी लिखे हैं। ठीक है जी, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नाटककार भी हुए हैं। ठीक है जी, तो आगे हम अपने जो टॉपिक पर आते हैं, हमारा टॉपिक है निबंध। तो निबंध की बात करते हैं, ये निबंध साहित्य की सबसे सर्वोत्तम रचना है, यह या निबंध कह सकते हो साहित्य की सर्वोत्तम, है ना, जितना भी जो साहित्य है निबंध को सबसे टॉप पर रखा जाता है, साहित्य की सबसे सर्वोत्तम रचना कौन सी है, निबंध है। क्यों है, क्योंकि निबंध में ही एक लेखक की जो अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति उसे परखा जाता है, क्या जाता है, उसे परखा जाता है। अब कैसे परखा जाता है, भी देखो भी कोई भी अगर निबंध लिखता है, कोई भी विद्वान या लेखक निबंध लिखता है, तो उनमें उनको क्या करना होता है कि जो अपने विचार हैं कम शब्दों में, संक्षेप में किसी ना किसी विषय पर अपनी जो विचारों को अभिव्यक्त करना होता है। ठीक है, तो मैंने कल क्या लिखा है, लेखक की अभिव्यक्ति की क्या है, एक परख है। इसीलिए ही हिंदी साहित्य में जो निबंधकार हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। ठीक है, नाटक भी बहुत सारे लिख रहे हैं, कहानी भी बहुत सारे लिख रहे हैं, उपन्यास भी बहुत सारे लिख रहे हैं, लेकिन निबंध लिखने वाले हिंदी में क्या है, बहुत कम है। क्यों, क्योंकि निबंध में एक लेखक को उसकी अभिव्यक्ति को क्या जाता है, परखा जाता है। इसीलिए ही निबंध को साहित्य की सबसे सर्वोत्तम रचना माना गया है। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं कि जो निबंध है इसका नाम
निबंध को निबंध कैसे कहा जाने लगा, क्यों कहा जाने लगा, इसकी जो कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो निबंध है ये नी और बंध दो शब्दों के मेल से बना है। नी क्या है? एक उपसर्ग है। नी क्या है? उपसर्ग है। और बंध का मतलब है बांधना। तो प्राचीन काल है ना, जब प्राचीन समय था, जब आर्य लोग थे, तो उस समय जो जितने भी विद्वान हुए हैं वो क्या करते थे, अपने विचारों को, अपने विचारों को उनको उस समय कागज वगैरह तो नहीं थे, उस समय प्राचीन समय की बात हो रही है, प्राचीन समय जितने भी जो विद्वान थे वो अपने विचारों को है ना जब अभिव्यक्त करना चाहते थे तो वो क्या करते थे, वो भोजपत्र होते हैं जिसमें खाना खाया जाता है, प्राचीन जो समय था उस पर भोजपत्र, पत्तलों पर जो खाना खाते थे सभी, तो भोजपत्रों पर वो अपने विचार लिखते थे। और उनको जब क्या करते थे, विचार लिखकर बांध देते थे, ठीक है, उनको बांध देते थे, एकत्र कर देते थे। एकत्र मतलब कि इकट्ठा कर बांध देते थे। बांधना एक शब्द आया है, बांधना, ठीक है, बांध देते थे। वहीं से इसका नाम क्या पड़ा, निबंध पड़ा। और क्या लगा दिया इन्होंने, आगे क्या लगा दिया, नी उपसर्ग लगा दिया। मैंने एक शब्द यूज किया है यहां पर, बांधना, ठीक है, बांधना, बंद, बंद के आगे उन्होंने क्या लगा दिया, नी उपसर्ग लगा दिया और क्या बना दिया, नी बंद। तो आपको इसकी पृष्ठभूमि तो पता लग गया, ठीक है, जो प्राचीन काल में जितने भी जो विद्वान थे भोजपत्र पर लिखते थे, बांधते थे, नी उपसर्ग लगाकर, बंद का अर्थ है बांधना, ठीक है। तो ये तो थी जो एक धारणा, प्राचीन धारणा कह सकते हो। जो नवीन धारणा क्या है आज के युग में, आधुनिक काल में या आधुनिक युग में जो ऐसे है, जो इंग्लिश का एक शब्द है ऐसे, निबंध को उसका पर्यायवाची, निबंध को ऐसे का पर्यायवाची कहा जाने लगा है। अब अंग्रेजी का एक शब्द है ऐसे, निबंध को ऐसे का पर्यायवाची कहा जाने लगा है। मतलब ऐसे कोई भी लेख किसी भी विषय के ऊपर क्या करना, एक लेख लिखना, उसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में ऐसे, और हिंदी में उसको निबंध बोला जाता है। तो यह था स्वरूप, मैंने आपको जितना भी कराया ये उस निबंध का क्या है, स्वरूप है। आगे हम निबंध के तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। निबंध के तत्व, अब जो हमारा जो पेपर है ये मास्टर कैडर हिंदी का, इसमें जो हिंदी साहित्य की गद्य विद्याएं हैं है ना, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, इनके ना तत्व आते हैं, तो तत्व बहुत बार मिक्स हो जाते हैं, मिक्स रल जाते हैं है ना, एक दूसरे का जो तत्व है मिक्स हो जाता है, और हमने बहुत ही समझदारी के साथ इन तत्वों को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो पहला तत्व है वो कौन सा है, निबंध का पहला तत्व है विषय। निबंध का पहला तत्व है विषय। विषय का मतलब है जो इसका सब्जेक्ट है ना, मीन्स किस विषय के ऊपर निबंध लिखा जा रहा है भी, जो मेन उसका, जैसे राजनीति है, सामाजिक, धार्मिक,
ठीक है, ऐतिहासिक किसी भी विषय के ऊपर जो हमारा निबंध लिखा जा सकता है, जहाँ विद्वान बहुत सारे ना दुनिया में बहुत सारे जो विषय हो सकते हैं, किसी भी विषय के ऊपर कोई निबंधकार विषय लिख सकता है। कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नारी शक्तिकरण है, है ना, बाल जो बाल विवाह है, समस्याएं हैं, है ना। तो विषय, विषय का मतलब है कोई भी विषय, संसार का पूरे ब्राह्मण में जितने भी किसी वस्तु के नाम है निबंध के, उतने ही क्या है विषय। तो विषय निबंध का क्या है, तत्व है, किसी भी विषय के ऊपर जो निबंध लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे है, आगे पूर्णता, दूसरा है पूर्णता। पूर्णता का मतलब क्या है, पूर्णता मतलब पूरे रूप से, पूर्णता का मतलब है पूरे रूप से। निबंध में जब भी किसी भी विद्वान ने कुछ लिखना है शुरू से लेकर अंत तक, तो कोई भी बात छोड़ नहीं सकता, निबंधकार कोई भी बात छोड़ नहीं सकता, शुरू से लेकर भूमिका से लेकर निष्कर्ष तक, भूमिका से लेकर निष्कर्ष तक वो कोई भी बात छोड़ नहीं सकता, और अंत में वो क्या निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा भी इस निबंध का ये निष्कर्ष निकलता है, और जो पाठक उसको पढ़ता है वो उसको जो निबंध में सारी बात लिखी है वो समझ में आ गई है। ठीक है, तो पूर्णता का मतलब है कोई भी बात ना छोड़ना। ठीक है, कोई भी बात पाठक के लिए जो उसको पढ़ रहा है, हमने तो लिख दिया, ठीक है, हमने, हम किसके लिए लिख रहे हैं, विद्वान किसके लिए लिख रहा है, जो पाठक के लिए लिख रहा है, तो पाठक को पढ़ने के लिए ऐसी जो विषय देना जिसमें क्या हो, हमारा जो पूरा विषय वो कंप्लीट होता हो, उसमें पूर्णता का गुण हो, कोई भाग कोई भी बात रह ना जाए। ठीक है जी, तो आगे है गद्य रचना। अब गद्य रचना आपको पता ही है कि निबंध है जो, इसका रूप क्या है, इसकी शैली क्या है, कौन सी कोटि में आता है भाई, ये जो निबंध है ये एक गद्य की कोटि में आता है, गद्य की स्वरूप में आता है, गद्य की शैली में आता है। पहले इसको जो पद्य रूप में गिना जाता था, ठीक है, विद्वानों ने फिर सोचा और परखा, बताया कि जो निबंध है ये क्या है, एक गद्य रचना है। ठीक है, तो ये क्या है, निबंध कौन सी शैली में आता है, गद्य शैली में आता है। आगे है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है विचारों को लोगों के सामने अभिव्यक्त करना। ठीक है, एक निबंधकार अपनी रचना के द्वारा, निबंध के द्वारा अपने जितने भी विचार उनके मन में कैद होते हैं वो लोगों के सामने क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। तो अभिव्यक्ति तो क्या है, निबंध क्या एक कह सकते हो कि तत्व है, लेकिन इसमें क्या है कि जो विद्वान होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कह सकते हैं कि विचारों से उसको क्या करते हैं, निबंध को प्रकट करते हैं। कहने का मतलब क्या है मेरा, अब मान लो कि बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने कोई विषय ले लिया, एक बाल विवाह है या ईमानदारी है ना। अब इन विद्वानों ने किसी भी समस्या को ले लिया, बाल विवाह पे ले लिया या ईमानदारी पे, तो अलग अलग विद्वान जब एक ही विषय को अपने अलग अलग तरीके से लिखते हैं
तो उसमें क्या हो जाती है, जो अभिव्यक्ति हो जाती है उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हर एक जो विद्वान है अपने तरीके से, अपने विचारों के अलग अलग शैली से एक निबंध को अलग अलग तरीके से प्रकट करता है। ठीक है जी। तो जितना भी कोई कह सकते हो कि जितने भी विद्वानों के अलग अलग कह सकते हैं कि विषय हैं, जहाँ अलग अलग विद्वानों की अलग अलग शैली है, तो उनका लिखने का ढंग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। तो इसको फिर थोड़ा समझते हैं। जैसे अभिव्यक्ति क्या है, मान लो बाल विवाह पर एक विद्वान ने कुछ लिख दिया और दूसरे विद्वान ने बाल विवाह के ऊपर और कुछ लिख दिया, तीसरे विद्वान ने बाल विवाह के ऊपर कुछ और लिख दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, विचारों की तो अभिव्यक्ति कर रहे हैं और उनके विचार हैं क्या है, अलग अलग हैं। विषय उनका एक है, विषय उनको एक दिया जाता है और उनकी अभिव्यक्ति क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो ये अभिव्यक्ति का क्या है, एक साधन है। आगे है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता का मतलब है थोड़े शब्दों में, थोड़े शब्दों में, संक्षेप में, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ठीक है। तो निबंध में जो समय है ना, समय और जो शब्द हैं उनकी क्या होती है, कह सकते हो कि लिमिट होती है ना। तो कई बार एग्जाम में ना आपको समय दिया जाता है, जैसे बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी पोस्टों के जो एग्जाम होते हैं उसमें ना आपको बोला जाएगा कि 50-60 शब्दों में या 300-350। ठीक है। तो 50-60 शब्दों का तो कोई निबंध नहीं होता, या कोश या ठीक है, या आप लिख लो 350-450। ये क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं पहले, 50-60 का तो क्वेश्चन ही हो जाता है। 300-350 शब्दों में निबंध लिखो, तो आपने कम शब्दों में, थोड़े शब्दों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है, थोड़े शब्दों में बहुत सारी बातें कहनी है। तो संक्षिप्तता का मतलब है थोड़े शब्दों में अपने विचार को क्या करना, प्रकट करना। आगे है सिक्स्थ है भावुकता। भावुकता का मतलब है आपने पाठक को क्या करना है, आपने पाठक को प्रभावित करना है, आपने पाठक को भावुक करना है, जगाना है। ठीक है। किसके द्वारा, अपने निबंध के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा पाठक को क्या करना है, आपने जगाना है। ठीक है। और ये भावुक है, निबंध का प्रधान गुण है, जो लिख लो प्रधान तत्व है, भावुक है निबंध का प्रधान तत्व है। ठीक है। प्रधान लिख लो, मुख्य लिख लो। ठीक है। तो विशेष भी कह सकते हो, मेन जो प्रधान है वो क्या है, भावुकता। ठीक है। इसमें पाठक को जो निबंधकार है वो भावुक होकर जगाता है। ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे जगाता है। मान लो कोई निबंधकार निबंध लिख रहा है, अगर पाठक उसमें जो रुचि लेकर ही नहीं पढ़ रहा, पाठक उससे प्रभावित ही नहीं हो रहा, तो निबंध लिखने का क्या फायदा है। ठीक है। तो पाठक क्या करता है, निबंधकार क्या करता है कि अपनी जो लिखने का जो उनका तरीका है ना, वो ऐसा होता है प्रभावित, ऐसा पाठक को प्रभावित करता है कि पढ़ने वाला वो समझ जाता है भी हाँ, वाक्य ही जो पाठक है, जो लिखने वाला जो विद्वान है, उसने बहुत ही अच्छी तरह लिखा है। ठीक है। तो उसमें प्रभाव, प्रभावशाली गुण, प्रभावशाली भी कह सकते हैं हम। ठीक है।
प्रभावशाली, तो हम जो विद्वान है उनके लिखने का जो तरीका है इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि पाठक भावुक होए बिना ही रह ना जाए। ठीक है, पाठक है जो भावुक ही हो, ठीक है, उसको उसमें जो रचना पढ़ रहा है, जो निबंध पढ़ रहा है, उसमें वो रुचि लेकर पढ़े। ठीक है जी, तो आगे है अनौपचारिकता। अनौपचारिकता, ठीक है, अब आपने ये शब्द है जो नया सुना होगा अनौपचारिकता। अनौपचारिकता का मतलब है नियमों के अनुसार ना होना, नियमों के अनुसार ना होना। देखो भी निबंध में कोई नियम नहीं होते, ठीक है, निबंध में कोई बाउंडेशन नहीं होती, मतलब कि आपने ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है, तो लेखक होता है वो खुले होकर मुक्त होकर स्वच्छंद स्वच्छंद रूप से मुक्त होकर लिखता है, जो उसके विचार हैं वो बंधे नहीं होते। ठीक है, लेखक के विचार हैं वो बंधे नहीं होते, आजाद होकर लिखता है, मुक्त होकर लिखता है, उसमें किसी भी नियमों की जो बाउंडेशन है वो नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनौपचारिकता, नियमों को मानना ना मानना उसकी मर्जी है, किसकी, विद्वान की, जो क्या है, लेखक की, जो एक निबंध लिख रहा है। ठीक है, वो स्वच्छंद होकर मुक्त होकर क्या करता है, अपनी रचना या निबंध लिखता है। तो इसी के साथ ही जो निबंध के मैंने 7 तत्व करवाए हैं, ठीक है, तो ये निबंध का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। 7 तत्व मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कौन सा है। सबसे पहले है विषय, निबंध का कोई ना कोई विषय होता है, पूर्णता, उसमें पूर्णता होती है, कोई भी बात रह ना जाए। तीसरा है उसका गद रचना, निबंध गद रचना है। और चौथी है संक्षिप्तता, थोड़े शब्दों में ज़्यादा बात को कहना। आगे है भावुकता, भावुकता मीन्स पाठक को हमने प्रभावित ही करना है, ठीक है। और आगे है अनौपचारिकता, अनौपचारिकता मतलब है इसमें कोई नियम नहीं होते। ठीक है जी, तो इसी के साथ ही जो ये निबंध का जो टॉपिक है ये खत्म होता है। ठीक है, धन्यवाद। Thank you.